जय हिंद साथियों। सेना भर्ती रैली और एग्जाम कराने की मांग अब देश भर में जोर शोर से गूंजने लगी है। इसको लेकर जहां देश भर में युवा अलग अलग जगहों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, वहीं अब कुछ बड़े मीडिया संस्थान भी युवाओं को उनका हक दिलाने के लिए आगे आए हैं। इसको लेकर पूर्व में राजस्थान में दैनिक भास्कर ने खबरों की एक सीरीज शुरू की थी, जिसमें सेना भर्ती कराने की मांग की गई थी, और अब राजस्थान पत्रिका ने सेना भर्ती शुरू कराने के लिए युवाओं के हक में अभियान शुरू कर दिया है। जहां तक राजस्थान पत्रिका में काम करने का मुझे अनुभव है, तो वो ये है कि पत्रिका द्वारा जिस भी मुद्दे को लेकर अभियान शुरू किया जाता है, उसे अंजाम तक जरूर पहुँचाया जाता है। क्योंकि मैंने खुद नागौर से इस अभियान को शुरू करने का प्लान किया था, लेकिन उस वक्त कोरोना का खतरा ज़्यादा था, इसलिए हम इस अभियान को उस समय शुरू नहीं कर पाए थे। लेकिन अब राजस्थान पत्रिका के ही सीकर एडिशन से सेना भर्ती रैली को लेकर एक अभियान शुरू कर दिया गया है। इसको लेकर आज यानी बुधवार को कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं युवाओं की इस समस्या को देखते हुए राजस्थान जाट महासभा के पदाधिकारी भी आ गए हैं, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि जब तक सरकार सेना भर्ती को लेकर कोई डेट फिक्स नहीं करती है, कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं करती है, तब तक युवाओं के साथ यह धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, और इसके लिए तहसील स्तर पर संघर्ष समितियों का भी गठन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि प्रत्येक ब्लॉक के युवाओं से रोजाना 1000 से अधिक पत्र राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री को लिखवाए जाएंगे। वहीं कलेक्ट्रेट के सामने बैठकर धरना प्रदर्शन भी जारी रहेगा। अगर सरकार फिर भी नहीं जागती है युवाओं की मांगों को लेकर, तो जाट महासभा युवाओं के साथ मिलकर दिल्ली में बड़ा आंदोलन करेगी। आपको बता दें कि सीकर सहित देश भर में लाखों युवा सेना भर्ती नहीं होने से ओवर एज हो चुके हैं। इन युवाओं ने सेना में भर्ती के लिए सालों से मेहनत की है, और अब भर्ती नहीं होने से ये ओवर एज हो गए हैं, और जिससे इनकी सारी मेहनत पर अब पानी फिरता दिखाई दे रहा है। इसलिए इन युवाओं को 2 साल उम्र में छूट दिए जाने व सेना भर्ती रैली जल्द से जल्द कराने और एग्जाम जल्द से जल्द कराने के लिए राजस्थान पत्रिका ने यह अभियान शुरू किया है। देखिए साथियों, आप सभी युवाओं से कहना चाहेंगे कि आप सभी राजस्थान पत्रिका के इस अभियान में अपनी भागीदारी जरूर निभाएं, तभी आपको आपका हक मिलना संभव है। तो चलिए साथियों, फिर मिलते हैं सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।